Welcome to another video. तो आज का प्लान है हम जा रहे हैं एकदम इंटरनेशनल ट्रिप वो भी डेढ़ घंटे में इंडिया से। हाँ, डेढ़ घंटे में। तो जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे हो तो हम लोग जा रहे हैं हैप्पी लैंड नेपाल। करीब यहाँ से एक घंटा 20 मिनट पड़ता है। एंड देन आज हम सिर्फ अकेले नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मेरे भाइयों के साथ। यहाँ देखो, शकल दिखाओ भाइयों। एरन खाटी व्लॉग्स देखा ही होगा। और हमेशा की तरह आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, प्लीज शो अस योर सपोर्ट एंड लव बाय सब्सक्राइबिंग। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर। आगे मिलते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा रोड है, इट्स लाइक अ फीस्ट। ये पूरा लंबा रास्ता दिख रहा है, चौड़ा चौड़ा दूर दूर तक। हाँ, पहाड़ तो इतना, मतलब पहाड़ में तो इतना चौड़ा नहीं होता रास्ता ना। हाँ, पहाड़ में तो इट कैन बी। हाँ, और हम हमेशा पहाड़ जाते रहते हैं, ये फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे यहाँ आने के बाद। सीधा Correct. सीधा वाला रास्ता, राइट। दूर होता है ना 19 किलोमीटर 19 किलोमीटर मतलब पकड़ लो 20-25 मिनट जहाँ पे रुक पाए। बट ये है कि मेरा मानना है कि पहुँचते हैं एटलीस्ट नेपाल, फिर खाते हैं। हाँ, क्योंकि वो प्रायोरिटी है, राइट। वहाँ नेपाल अब ऐसा रोड है तो मस्त पहुंच जाएंगे जल्दी। देखो ना लेकिन धीरे चलाना पड़ेगा, थोड़ा सेफ्टी भी देखना है कि नहीं। दोनों साइड टी गार्डन्स हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत हरियाली है। अच्छा लग रहा है, मुझे वो याद दिला रहा है जब हम देहरादून जा रहे थे। जब हम ऋषिकेश गए थे और देहरादून से हम वहाँ गए थे मसूरी। ऐसे कुछ टाइम ऐसे छोटे छोटे रोड से जब हम वो हिल्स आने के पहले ना थोड़ा ऐसे रोड है, ग्रीनरी वाला रास्ता था। हमने GoPro को यहाँ पे लगा रखा था लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है कि GoPro भी बोला कि इट इज़ टू हॉट, तो अपने आप बंद हो गया। तो अभी हमने नहीं लगाया क्योंकि धूप तो है ऑलरेडी, क्या पता बिगड़ जाएगा। सही बात है। और वो वैसे भी रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। हाँ, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, बंद हो गया इट इज़ टू हॉट बोल के, तो ऐसे ही ने निकाल दिया। फिर जब सामने अगर लगा होता है तो वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में होता है। हाँ, तो क्या पता बर्स्ट हो जाए यार, यू नेवर नो। हाँ, यू नेवर नो। एसी भी काम नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा गर्मी है गाड़ी का एसी। मुझे तो ठीक लग रहा है, पता नहीं मुझे तो गर्मी लग रहा है। तो टेम्परेचर कम कर लो, इट्स 23। हाँ, राइट। मैं बोंडू सा एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं भी टेम्परेचर कम करना चाहिए ना, 23 में रख रखा है और बोल रहा हूँ गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। 5 किलोमीटर में बोध गेट, 500 मीटर में टोल गेट आएगा, देखते हैं कितना चार्ज करते हैं। हम टोल गेट पे रुकेंगे, पहला टोल गेट है। हाँ, ये सबसे पहला वाला टोल गेट है। लेट्स सी हाउ मच दे विल चार्ज। 120 rupees गाइस, दैट इज ओनली फॉर वन साइड। कमिंग बैक यू हैव टू अगेन पे द टोल टैक्स। कस्टम वगैरह है तो यहाँ पे हमें उतरना पड़ेगा होगा, तो देर ये देखो यहाँ पे कस्टम है, तो अभी हमें पूछना भी पड़ेगा कि यहाँ से गाड़ी कहाँ से जाएगा। वी हैव टू एस्क। तो हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इट वाज नथिंग मेजर जो उन्होंने चेक किया, बट देन वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो हमने वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे। बट सिर्फ BSF वाले ने रुक के जितने भी है गाड़ी में लोग सबका ID चेक किया।
अगर आप अपने व्हीकल से नहीं आते तो यहाँ पे जो लेफ्ट में जो पुल दिख रहा है, तो यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो जाता है, जैसे टोटो या कुछ भी हायर करके आप लेके जाते हो, ऐसे छोटे गाड़ियाँ, तो वो वहाँ से जाती है। और ये जो बड़ा पुल है, यहाँ से आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जा सकते हो। तो चलते हैं आगे, लेट्स सी। तो सीधा सीधा रास्ता, मतलब रास्ते से जो आता हाँ पुल पार करते ही राइट में ये जगह है, यहाँ पे आपको गाड़ी लेके जाना है, एंड देन जो बंसार बोलते हैं वो काटना है अपने गाड़ी का। तो वी हैव टू गो इनसाइड दिस टू टेक द बंसार। तो गाइस, जो हमारा ये कस्टम का काम था वो हो गया। सो क्या हुआ कि अंदर जाना है, आपने अपना ओरिजिनल गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, मतलब जेरोक्स वरोक्स मत लेके जाना, ठीक है? दे विल आस्क फॉर द ओरिजिनल डॉक्स एंड देन यू गो इनसाइड इन रूम वन फर्स्ट, ओके? तो वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो आपको देना है, एंड देन दे विल आस्क यू फॉर इंडियन करेंसी 30 रुपीज एंड नेपाली करेंसी 50 रुपीज, यू हैव टू गिव दैट। एंड देन वो होके आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके यू हैव टू गो टू रूम टू, ओके? सो रूम टू जाके फिर से दे विल आस्क यू विच इज़ योर कार, सो यू हैव टू शो दैट कार, एंड देन रूम टू ख़त्म होके डॉक्यूमेंट्स एक दो देंगे, फिर आपको रूम थ्री जाना पड़ेगा। रूम थ्री में जाके आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, दैट इज इंडियन करेंसी कितना था? INR 320, नेपाली 500। हाँ, सो INR 320 एंड नेपाली 500। द टोटल विच यू हैव टू पे हियर इज INR 350 एंड नेपाली करेंसी 550 रुपीज, ओके? सो रूम थ्री का काम खत्म होके यू हैव टू गो टू रूम फोर, इट्स लाइक काउंटर फोर। हाँ, काउंटर फोर। वो बस स्टैम्पिंग करते हैं, वो जस्ट सील करके आपको दे देते हैं, एंड देन यू गो टू नेपाल। सो इतना है कस्टम का। सुपर सनी डे, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। वी आर गोना गो बैक टू कार एंड देन हेड टुवर्ड फनलैंड। सॉरी, हैप्पी लैंड। मे बी अंडर बार फनलैंड इन अंडर बी ही वाज सेइंग फनलैंड फनलैंड इन फ्रंट ऑफ दैट कस्टम ऑफिसर। ओह माय गॉड। Happyland and Fun Park. तो यहाँ से इसका एंट्री है, तो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। यहाँ पे पहुँच गए हम। So we are going to get the ticket from the counter. It's over here. हाँ, तो हमने टिकट्स ले लिया है, एंड देन टिकट्स को हमको पड़ा इंडियन 520 रुपीज, एंड इफ यू आर गिविंग नेपाली करेंसी देन इट विल बी 800 रुपीज। प्रीटी चीप। हाँ, ओह माय गॉड, हाँ, इट्स सो नाइस। कितना अच्छा लग रहा है। वेदर थोड़ा ठीक हो गया अभी। हाँ, वही, नहीं तो अब तक तो इतनी गर्मी थी, इतना धूप था। कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ये देखो यहाँ पे, ये इतना अच्छा प्लेस है जहाँ से पानी निकल रहा है। ओ एंड देन वी कैन लाइक यू नो वेयर अ ट्रेडिशनल ड्रेस हियर एंड टेक अ पिक्चर्स व्हिच आई विल डू मे बी इन सम टाइम। वोरा ज़िपलाइन। ओ, यू वांट टू डू इट? हाँ, लेट्स सी। वोरा ज़िपलाइन, वहाँ से जाके वहाँ तक जाता है वो। प्रीटी फेयर डिस्टेंस।
all ready to go for zip lining. It's pretty big, matlab pretty high actually. Oh, so scary. You ready? No. चलो एक साइड से तो हो गया. स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था डर, बट देन आई वाज लाइक क्या डरना यार, लीव इट, जो होगी देखी जाएगी, सिंपल. तो अब रिटर्न वे, रिटर्न चलेगा अब. तो ये देखो आसपास का पूरा एरिया, पूरा खाली एरिया है, आउटस्कर्ट्स में बना रखा है इन्होंने. और यहाँ पे इनका पूल है, पूल भी अच्छा खासा बड़ा है. एक साइड में गहराई कम है और वो इनका कोई राइड है, वाटर राइड. तो इसके बाद लेट्स सी, नील तो मना कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, शायद पानी गर्म होएगा बोल के. तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कर ही लें, लेट्स सी. ओ, ये जाइंट ऑक्टोपस बना हुआ है, जो बना रखा है इन्होंने काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें बना रखी है. वहाँ पर आईफिल टावर है, वो रहा उधर. अब हमें वापस वहाँ जाना है, नील और एरन वही है. चलो रिटर्न ट्रिप. हमने जिप लाइनिंग कर लिया, मैंने और भाई ने तो नहीं किया, मुझे डर लग रहा था एक्चुअली, तो इसलिए मैंने नहीं किया. तो अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए. तो कह रहे हैं कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो यहीं मिलेगा, तो लेट्स सी अगर पानी ठंडा है तो अच्छा है, हम कर लेंगे. बट पहले पानी चेक करूँगी मैं ठंडा है कि नहीं, क्योंकि ना स्विमिंग करने जाओ गर्म पानी है तो क्या मजा आएगा ना. सो वी विल गो एंड स्विम हियर, सो अमेजिंग गाइस, लेट्स चेक द वाटर, इज इट कूल. Thumbs up. अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी बंद भी हो गया है, तो ये प्लेस क्लोज होने का टाइम है 5:30. नाउ वी आर गोइंग
वील हैव समथिंग रियली नाइस, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इतना अच्छा खाने का ऑप्शन तो नहीं मिला, तो अभी हम निकल रहे हैं। आपको भी आना चाहिए, हो सके तो बहुत गर्मी वाले दिन में मत आना, बट अगर आते भी हो देन यू हैव द वाटर एक्सपीरियंस राइट, वाटर राइड, पूल, पूल ये सब था, स्लाइड, वाटर स्लाइड, वो गर्मी तो फॉर श्योर आप भूल जाओगे। हाँ उसमें, एंड देन इट्स रियली नाइस, मतलब आपको इतना मजा आएगा, और हो सके तो अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम और अपना टॉवल या यू नो शावर जेल, shower gel, apna chappal, you must carry all these things if you are coming next here. Next time we will come. हम भी हाँ, okay. अगर आप सिलीगुड़ी से आते हैं, आसपास से आते हैं, तो drive का drive या ride का ride भी हो रहा है, क्योंकि रास्ता तो बहुत ही मक्खन है, तो ride का ride भी हो जाएगा और यहाँ पे आके fun तो है ही, तो must come place really. So इसी के साथ हम ये vlog खत्म करते हैं guys. Thank you so much. I hope you like this video. आपको भी हमारे साथ मजे करने में मजा आएगा ये video के साथ. Bye guys. Thank you for watching.